दोस्तों आज हम लोग जानेंगे EDTA के बारे में। EDTA कैसे बनाते हैं। EDTA बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग, मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है CEO MGO के बारे में। तो CEO MGO कैसे बना चेक करते हैं, आयरन कैसे चेक करते हैं, उसमें EDTA कैसे बनाते हैं और जिंक सोल्यूशन से कैसे उसको स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, तो उसमें बनाया हुआ है वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आइए जानते हैं कि EDTA कैसे बनाते हैं। तो EDTA बनाने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण ज़रूरी है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 3.7224 ग्राम लेना है EDTA। उसके बाद जो है 400 ml हॉट वाटर को हॉट कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें क्या कीजिएगा, उसको डिजोल्व करिएगा। डिजोल्व करने के बाद उसको मेजरिंग सिलेंडर से 1 लीटर मेकअप करके उसको आप 1 लीटर में बना सकते हो। उसके बाद उसको आप डिमार्केशन कीजिए या स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए, आप कर सकते हो। और मैंने वीडियो बनाया हुआ है उस पर, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। तो वैसे ही आपको सबसे पहले क्या करना है डिमार्केशन के लिए, सबसे पहले आपको मोलरिटी जो है निकालना है। मोलरिटी 0.01 × 10 डिवाइडेड वॉल्यूम करना है दोस्तों, कैलकुलेट। तो वॉल्यूम जो होता है, जो वीडियो रीडिंग आप लोग करते हैं, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, इससे पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूँ CEO MGO आयरन का फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसमें आप लोग आज जाके देख सकते हैं। तो ये सब ये आप लोगों के लिए EDTA के बारे में था, जो कि EDTA कैसे बनाते हैं। एक दोस्त ने पूछा था हमसे कि सर EDTA कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बताइए। तो इसीलिए मैंने EDTA के बारे में सिर्फ बताया है। आपको कौन कौन से केमिकल के बारे में चाहिए वो बताइए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आज EDTA के कैसे बनाते हैं सिर्फ उसके बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि केमिकल्स कैसे बनाते हैं, पूरे केमिकल्स आप लोगों को जो कि इंडस्ट्री में लगता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो। छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद।